चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं देख रहा था कि बागपत लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के एशियाड में जितने मेडल जीते बागपत लोकसभा में। अपनी पूरी सांसद नीति खेल में लगा दी 4 साल में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। क्या पूछा है मोदी लोग जाट को जमीन को 1,450 रुपए करने का भाव दूंगा बोल, और 15 दिन पेमेंट कहां हमारी पेमेंट किसानों की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीरज मान ने प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इस रजत पदक जीतने का अभी तक आधी खुशी थी, किंतु जयंत जी के आने पर वो हमारी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ गई है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। केवल एक मिनट लूंगा कि चौधरी साहब, मैं आपकी ओर इंगित करते हुए कहता हूं कि जो ये जन सैलाब है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, वे आप में चौधरी चरण सिंह जी का अक्ष देखते हैं और वे चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचे और ये सारा क्षेत्र आपके साथ है। बुजुर्गों साथियों, खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से, नौजवानों के लिए, लोग कहते हैं कि किसानों की बात ही होती है, जिस तरीके से नौजवानों को पुरस्कार सम्मानित करने के लिए उनके लिए स्टेडियम और दूसरी सुविधाएं देने की जो शुरुआत जयंत चौधरी जी ने की है, मैं उसके लिए भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा सम्मान दिया। मैं भाई नीरज का भी सम्मान करता हूँ और बजरंग पूनिया जी का भी सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयंत जी आज गांव में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं जो खिलाड़ियों को लेकर सम्मान हो रहा है। बहुत ज्यादा हमारे नेता आ रहे, ठीक है, हमारे नेता आ रहे, हम बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए कि हम बयान नहीं कर सकते। क्या नाम बाबू जी? श्याम सिंह छबरौली जी। छबरौली से हो? अच्छा, तो जयंत जी आ रहे हैं, खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस? बहुत अच्छा है। अपनी पूरी सांसद नीति खेल में लगा दी 4 साल में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। सरकार है, गन्ने का पेमेंट भी नहीं दिला पाई भाजपा सरकार, गन्ने का पेमेंट भी नहीं दिला पाई। बलात्कार और ये तो चलते चली रहे, खूब जम के देख रहे हैं आप, मंत्री भी इनके भ्रष्ट। ये जो पहल की है चौधरी साहब ने, ये पहल और भी होनी चाहिए, और लोगों से भी होनी चाहिए। नहीं, और लोगों से हम कैसे कह सके जी, हम अपने नेता से ही कह सके, अपने नेता से कह सके। हमारे नेता ने सबसे पहले देश में सबसे पहले सांसद ने खेल पे खर्च करा। तो आज से पहले भी कोई इस तरह के नेता किसी सांसद ने नहीं करा, किसी सांसद ने खर्च नहीं करा। और भी कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं या खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो बीरज भूषण जी, मैं भी महिला के लिए काम कर रही हूँ, महिला का शोषण कर रहे ना कर रहे। क्या पूछा है मोदी लोग जाट को जमीन को 1,450 रुपए करने का भाव दूंगा बोल, और 15 दिन पेमेंट कहाँ हमारी पेमेंट किसानों की। हमें इन पे छुलवाना है, इन पे हमें छुलवाना नहीं, इन पे जो हमारा नेता जी आ रहा है हम इस पे छुलवाएंगे। बताओ हमारा पेमेंट क्यों नहीं मिलता साल भर होली, बताओ मिल चालू होगा, हमारी पिछले साल की पेमेंट रह रही, बताओ दुआ दो ये। लेकिन वो तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं जो सरकार की, भाई किसानों के साथ है ये चीजें हो रही है। ये दलालों के साथ है, काम गैल 5-7 दलाल ऐसे हैं जिनकी पेमेंट पूरी हो रही, कई महीने हो रही है, ये लिख के दे देंगे पेमेंट हो रही पूरी। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। और बागपत के लिए विशेष बात यह है कि पूरे देश में जितने मेडल हैं, मैं देख रहा था कि बागपत लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के एशियाड में जितने मेडल जीते बागपत लोकसभा में, तो कुछ तो है, कुछ तो खास बात है।
बात यही है कि जो खेती करते हैं, जो किसान कौमे हैं, और इसे हम गलती करेंगे अगर हम किसी जाति से जोड़ेंगे। जाति से अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। बात यह है कि जो खेती करती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, वो मेहनत उनके रगों में है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोकदल ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, पंचायतें भी होती है, मांग को लेकर आप लोग एकत्रित होते हो, किसी के साथ अन्याय होता है तब इकट्ठा होते हो। आज हम लोग नीरज और इसके नाम में ही मान है, इसने मान सम्मान रखा क्षेत्र का, और आज हम इसके सम्मान के लिए आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले खिलाड़ी देखें कि ये जो संभ्रांत लोग हैं परिवार के, समाज के, ये खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं।